अगली खबर में बात करते हैं सीहोर की, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2017 में अपने नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के 16 जिले जो नर्मदा नदी के किनारे बसे हैं सभी में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। नर्मदा नदी के 5 किलोमीटर क्षेत्र में और सैकड़ों सरकारी दुकानों को बंद कर दिया गया था। उसके बाद से ही राजनीतिक संरक्षण एवं शासन प्रशासन में अपना रोब जमाने वाले शराब माफियों ने अपना शराब बेचने का गोरख धंधा शुरू किया और नर्मदा नदी के किनारे उस जगह शराब बेचते थे जहां सरकार ने बंद कर दी थी। पुलिस की साठ घाट से सीहोर जिले के बुधनी नसरुल्लागंज ब्लॉक में नर्मदा किनारे धड़ल्ले से अवैध शराब बेची जा रही थी एवं बुधनी पुलिस के संरक्षण में बुधनी थाने के सामने लाखों रुपए रोज की शराब बेच रहे थे। एक बुधनी का पत्रकार और रात को बहुत से ग्रुपों में पोस्ट लिख रहा था कि बुधनी में 100 से ज्यादा जगह शराब बिक रही है और बुधनी पुलिस पैसे लेती है, मैं भी देता हूं, अगर बुधनी टाइम दम हो तो मेरी गाड़ी पकड़कर बताएं, रोज 4 बार शराब आती है मेरे यहाँ क्योंकि हम सभी पैसे देते थे। जिस ग्रुप में शराब माफिया पत्रकार पोस्ट लिख रहा था उसी ग्रुप में सीहोर एसपी एवं बुधनी एसडीओपी व टीआई प्रकाश खींची भी थे और आज टीआई बुधनी ने थाने के सामने कार्यवाही कर लाखों रुपए की शराब जब्त कर पत्रकार एवं उसके भाई को पकड़कर बुधनी थाने ले गए। बुधनी थाना प्रभारी ने फोन पर बताया कि बंसल न्यूज चैनल व पब्लिक ऐप रिपोर्टर बुधनी और उनके भाई पर पुलिस की कार्यवाही 16 लीटर अंग्रेजी शराब व 12 बियर की जब्त की है। बुधनी टीआई विकास खिंची के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बुधनी पुलिस ने अवैध शराब पर कार्यवाही करते हुए बंसल न्यूज चैनल एवं पब्लिक ऐप के बुधनी रिपोर्टर कमलेश पांचाल और उनके भाई हरि ओम पांचाल को अपना भोजनालय से करीब 16 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब एवं 12 बियर जब्त करते हुए आबकारी की धारा 34+109 के तहत मामला दर्ज किया है। अश्वान जी, हाँ सर, मैं क्षमा चाहता हूँ, आपका फोन वेटिंग में आया। तीन मामले बना थे जी, तीन मामले बने हैं कल। एक यादव श्री पे बना था, एक केस बना था जी, उसमें 18 क्वार्टर मिले थे जी जी, है ना, और जो मैनेजर था वो उसमें गिरफ्तार हुआ था जी, मालिक को भी बुलाया आज पूछताछ के लिए जी, संभवतः वो भी आज उसको भी उसमें आरोपी बनाएंगे जी जी जी। दूसरा ये पांचाल जी वाले में बना था अपना ढाबे पे जी जी, अपना ढाबा जी, हाँ, इसमें जो एक वो था हरिओम पांचाल, हाँ, हरीश हरिओम पांचाल जी जी जी, उसके ढाबे के पीछे जो है ये कमलेश पांचाल जी का कोई रूम वूम है जी जी, है ना, मिली थी जी, बेचने के लिए इनको रखता था वो, हरिओम पांचाल जी के माध्यम से बिकवाता था वो, हाँ हाँ जी जी जी, के बयान के आधार पे, पूछताछ के आधार पे जी जी जी, उनको भी इसमें आरोपी बनाया है जी 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 जी। तो इस पे इसको मतलब सह आरोपी बनाया, सह आरोपी जी जी जी। तो अपन न्यूज में 109 बढ़ाएंगे, हाँ हाँ, अच्छा, उस पे 34 लगी होगी, 34+109, हाँ, 34+109 ना जी भैया जी जी। अच्छा सर, अपन स्क्रिप्ट में ये बोल सकते हैं ना कि भाई जब आरोपी से बयान लिए गए तो उन्होंने बताया कि हाँ ये कमलेश पांचाल का माल है और ये मुझसे बिकवाता है, बिल्कुल, तो उस आधार पर पुलिस ने इनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया है जी जी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। अच्छा सर, इस पर कितनी पकड़ाई है अपना ढाबा पे, मात्रा? दो पेटी जी सर, दो पेटी और बियर भी है। अच्छा, दो पेटी बियर कितनी सर? लगभग 12-15 बियर है, 15 बियर और दो पेटी, एक दर्जन बियर मान लीजिए, एक दर्जन बियर और दो पेटी, ये दो पेटी में एक में 48 क्वार्टर बनते हैं सर? नहीं, 50 क्वार्टर, 50 क्वार्टर, तो ये सर कितने लीटर जाएगी? मतलब एक पेटी में 8 लीटर आती है, हाँ, 8 लीटर, वेरी राइट सर, हाँ, 16 लीटर मान लो और एक दर्जन बियर, हाँ जी 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 जी।